वाल्मीकि समाज के आराध्य देव श्री वीर गोगा जी की 27 अगस्त को गोगा नवमी पर्व रात को भव्य जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन अगले ही दिन 28 अगस्त को सफाई मित्रों के अवकाश होने पर भी शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित ना हो, इस उद्देश्य से 28 अगस्त को शहर के विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही शहर के विभिन्न संगठनों, रहवासियों के साथ ही निगम अधिकारियों द्वारा अपने अपने जोन, वार्ड और क्षेत्र में हम भी स्वच्छ ग्राही महा जन भागीदारी अभियान चलाया जाएगा। वही स्वच्छता महाजन भागीदारी अभियान के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न संगठनों के माध्यम से अभियान में सम्मिलित होने के साथ ही सफाई कार्य के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में भी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा ने शहर के समस्त सफाई मित्रों को गोगा नवमी की शुभकामना देते हुए शहर के समस्त नागरिकों से अपील की है कि निगम के समस्त सफाई मित्र साल भर मौसम की परवाह किए बिना पूरी शिद्दत से हमेशा फील्ड में रहते हुए सफाई अभियान को जारी रखते हैं। इस समय हम सभी का दायित्व है कि जिस दिन उनकी छुट्टी है उस दिन हम अपने इंदौर शहर को साफ बनाने के लिए सफाई मित्रों के सम्मान में हम भी मैदान में उतरे और अपने गली, मोहल्ले, वार्ड, जोन और क्षेत्र में हम भी स्वच्छग्राही महा जनभागीदारी सफाई अभियान में सम्मिलित होकर जनभागीदारी से स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं। गोगा देव जी की नवमी के शुभ अवसर पर हमारे सभी सफाईकर्मी बंधु सब छुट्टी पर रहेंगे और इस पावन अवसर पर हमारे नगर निगम के सभी साथी अधिकारी कर्मचारी मिलकर साफ सफाई का कार्य करेंगे। इसमें राजवाड़े क्षेत्र में जो हमारे सफाईकर्मी बंधु हैं उनके जो कॉलोनी उनके क्षेत्र है वहाँ पर भी हम लोग साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे और पूरे शहर में एक प्लानिंग की गई है कि सभी शहर में साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, इसमें जनप्रतिनिधि हमारे RWA के और सभी नागरिकगण, सभी लोग को हमने आमंत्रित किया है और बहुत अच्छा सबके अंदर रुझान है और सभी लोग इसमें शामिल होकर अपने शहर को साफ करने की दिशा में कदम उठाएंगे।